स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपके लेके आए हैं दाल मखनी ढाबा स्टाइल। फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी है। अब बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स दाल मखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी साबुत उड़द और 1/4 कटोरी हमने यहाँ पे लिए है राजमा। अब हम इनको 12 से 14 घंटे के लिए भिगो देंगे। देखिए फ्रेंड्स राजमा भीग चुके हैं, उड़द भी बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। कुछ लोगों का बोलना है कि मैम राजमा भीगते नहीं है, उड़द भीगते नहीं है, तो आप एक काम करें जब इसको भिगोएं तो 1 पिंच इसमें सोडे का डाल दें। आइए अब हम इसको अच्छे से धो लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने राजमा अच्छे से धो लिए हैं, दाल को भी बहुत अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स राजमा और उड़द भीगे हुए मैंने कुकर में डाल दिए हैं। अब मैं पानी डाल दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है। अगर कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल देंगे, 1/2 ग्लास पानी और डाल दिया है मैंने इसमें। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर आप पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल दीजिए, वरना ना डाले। मैंने बिल्कुल 1 पिंच जितनी इसमें हल्दी डाली है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 8 से 10 सीटी मीडियम फ्लेम पर ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कुकर में सीटी आ गई है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 8 से 10 सीटी ले लेंगे। फ्रेंड्स जब तक कुकर में से सीटी निकलती है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, इसको हम कट करके और एकदम बारीक पीस लेंगे मिक्सर के अंदर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कली लहसुन की है जो एकदम बारीक कट कर ली है। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती ये मैंने धो के अच्छे से कट कर लिया है। 1 चम्मच हम बेसन लेंगे। फ्रेंड्स बेसन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। देखिए मैंने सब्जी वाला चम्मच घी का भर के डाला है और हम इसमें 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल का भी डाल दिया है। गरम होने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स घी गरम हो चुका है। आप ये सोच रहे होंगे मैंने घी और तेल मिक्स करके डाला है, बटर तो डाला ही नहीं है। फ्रेंड्स हम इसमें बटर बाद में यूज में लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, 1 छोटी दालचीनी का पीस डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा और 3-4 लौंग कूट के डाल दिए हैं। हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है, हाई नहीं रखना है। इसमें हम लहसुन डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन भी डाल दिया है और अब इसको बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 1/2 चम्मच सिकवा जीरा डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मसालों की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और 8 से 10 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। जब तक मसाला साइड नहीं छोड़ता है तब तक हमें इसे पकाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, साइडें छोड़ने लगे हैं।
अब आप इसमें से फ्रेंड्स अगर आपको दालचीनी बाहर निकालनी है तो आप अभी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में खाना खाते समय मुंह में आएगी तो उससे क्या है थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए आप चाहें तो अभी निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दालचीनी को बाहर निकाल दिया है, मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम दाल को मसाले के अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने दाल को कढ़ाई में डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी बची हुई दाल भी मैंने डाल दी है। देखिए फ्रेंड्स, बॉईल होने लग गया है, अब हम इसमें बचा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हम इसमें अब बटर भी डाल देंगे। मैंने इतना बटर इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट, और आप ज्यादा चाहें तो ज्यादा देर इसको बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ये उबलेगी उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है ना, वरना नीचे लगने लग जाएगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको काली माँ की दाल भी बोलते हैं। जब ये अच्छे से बॉईल होगी, पकेगी, तब इसका कलर अपने आप चेंज होता चला जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से बॉईल होने लग गई है, अब मैं गैस के फ्लेम को कम कर दूंगी और 15 से 20 मिनट इसको बॉईल कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमें 12 से 15 मिनट हो गए हैं दाल को बॉईल होते हुए, एकदम गाढ़ी हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें ताजा दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और पकने देंगे। फ्रेंड्स, दाल मखनी बिल्कुल रेडी है, हमें कम से कम 20 मिनट इसको हो गए हैं पकाते हुए। मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए गरम मसाला और डाल दूंगी, आप चाहें तो डालें ना तो ना डालें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत गाढ़ी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है लुकिंग में भी। अगर आप पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी बॉईल करके डालें। आइए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, दाल मखनी बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दी है। आप लच्छा पराठा के साथ, रोटी के साथ, शाही पुलाव के साथ, जिसके साथ साथ मन आए उसके साथ बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।